सर्दी के मौसम में बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है। एक भोज बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर भी आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे। दिलचस्प ये रहा कि वो बैक गेट से यहां पहुंचे थे, जिसके बाद बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। नीतीश कुमार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो राबड़ी आवास पर दही चूड़ा का लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नीतीश के बगल में लालू यादव और बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी नजर आ रहे हैं। वीडियो में लालू यादव आग के सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार लालू यादव की ओर से सोमवार को आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पैदल ही सीएम आवास से निकल गए थे। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए बाहर आए। इस दौरान सीएम ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। करीब 3 महीने बाद आज सीएम नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू यादव के घर पहुंचे। पूरे 90 दिन बाद राबड़ी आवास पर लालू से नीतीश की मुलाकात हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि दही चूड़ा भोज से दोनों दलों राजद जदयू के रिश्तों में और मिठास आ जाएगी। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए भोज काफी अहम माना जा रहा है। बीते कुछ दिनों से जेडीयू और आरजेडी के बीच सरकार के कामों का श्रेय लेने की होड़ नजर आ रही थी। पिछले हफ्ते दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी। पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ आए थे, मंत्री भी आए थे, हम लोगों ने सबका स्वागत किया। महागठबंधन एकजुट है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है। हर बार एक ही मुद्दे पर हम लोग सफाई क्यों दें? बेकार की बातों पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति की सबसे पहले आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देशवासी बिहार के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, और लगातार हम लोगों के घर में परंपरा रही है, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहे हैं तब तब जो है मकर संक्रांति जो है उस दिन खास दिन पर लोगों को दही चूड़ा, कोहरे की सब्जी, तिल कुट खिलाने का काम करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इतनी ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं और सब लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया। विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका भी स्वागत किया गया। सभी मंत्रिमंडल के लोग, सब लगभग सभी मंत्रिमंडल के लोग जो है यहाँ आए हैं, उन सब लोगों का भी हम लोगों ने स्वागत किया है। और ये पर्व त्योहार तो हम लोग लगातार शुरू से मनाते रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात होती है कि खुशियाँ जो है सब में बांटी जाती है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को। बेकार की बातें देखिए, इस पे हम बार बार, ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा, जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। इससे पहले बीते साल अक्टूबर और नवंबर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। तब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव 3 नवंबर को सीएम हाउस नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। राबड़ी आवास पर दोनों की मुलाकात बीते साल 16 अक्टूबर को हुई थी, तो वही आखिरी मुलाकात सीएम आवास पर 3 नवंबर को हुई थी। वहीं सीपीआई की रैली में जब नीतीश ने सीट बंटवारा में देरी के लिए कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी, तो अगले दिन फिर लालू और तेजस्वी उनसे मिलने पहुंचे थे। बता दें, बिहार की सियासत में चूड़ा दही भोज का विशेष महत्व रहा है। खराब सेहत के कारण 4 साल बाद लालू यादव मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं। इस दौरान खुद लालू भोज परोसते हैं। बिहार में मकर संक्रांति पर भोज की पुरानी परंपरा चली आई है, जिसे हर सियासी दल के नेता निभाते भी आए हैं। लेकिन इस बार चूड़ा दही भोज काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर मची रस्साकशी के बीच नीतीश कुमार और लालू की मुलाकात हुई, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।